सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स अभी अनसक्सेसफुल हुए हैं इस पर्टिकुलर जून 24 अटेम्प्ट के अंदर, उनको मैं एड्रेस करने आया हूँ। आप सभी को एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा मेरे साइड में, फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस, राइट। ऑफकोर्स आपको इंस्टीट्यूट अनसक्सेसफुल कर रहा है, राइट, बट इट इज़ नॉट एन अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप अनसक्सेसफुल हुए हैं जून 24 अटेम्प्ट में, राइट, तो आप उससे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है आपको, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं आपको बात करूं, मैं क्या इस वीडियो में डिस्कशंस करने वाला हूं, मैं डिस्कशन करने वाला हूं इंस्टीट्यूट का टारगेट अपकमिंग सितंबर 24 फॉर द सीए फाउंडेशन एंड जनवरी 25 अटेम्प्ट फॉर द सीए फाउंडेशन। वो दो पेपर के लिए टारगेट करेगा आपको, तो वो कौन से दो पेपर है उसकी डिस्कशन मैं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप देख रहे हैं सब सीए नितिन चावला यूट्यूब चैनल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन चावला। आप सभी स्टूडेंट्स को पहले तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जो सितंबर 24 या फिर जनवरी 25, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वाली अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि भैया इंस्टीट्यूट का जो अभी एक साइन है वो साइन इस तरह का आ रहा है कि भैया एंट्री को जो क्या कर रहे हैं, वो एंट्री को टफ कर रहे हैं और एग्जिट को थोड़ा जो है ईजी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो फाउंडेशन का जो परसेंटेज आया उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट का जो टारगेट है वो दो पेपर को लेकर के होने वाला है, आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को लेकर के, ठीक है। अब सर बताओगे सर कौन सा है, तो देखो दो पेपर आपके हैं, दैट इज़ आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ की बात करते हैं, मैथ बोला जाता है कि भैया मैथ का पेपर, एंड सेकेंड वन इज दैट इज़ अकाउंट्स का पेपर। इन दो पेपर को इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहा है। लॉ और इकोनॉमिक्स वाले जो पेपर हैं ये एवरेज आएंगे आपके, राइट है, लेकिन दो पेपर आपके टारगेट करेगा इंस्टीट्यूट, और इसमें कॉन्सेप्चुअली आपको जाना पड़ेगा, राइट है। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं सरफेस लेवल पे अपना स्टडी करके चला जाऊं या फिर मैं सरफेस लेवल पे अपनी चीज़ों को गो थ्रू करूं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का जो भी पूरा स्टडी मटेरियल आपको गो थ्रू करना है, अच्छे से करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स अभी मिस करते हैं अपने कभी एग्जाम्स के लिए भी मिस करेंगे आई थिंक शायद वो, और अपने जो इस अटेम्प्ट में जो उन्होंने एग्जाम दिया होगा वो जो अनसक्सेसफुल रहे उन्होंने ये मिस किया होगा, वो क्या चीज़ मिस करी होगी उन्होंने, इंस्टीट्यूट के जो भी स्टडी मटेरियल है, जो उसके टेस्ट और नॉलेज होते हैं TY के जिसको मैं बोलता हूँ, इलस्ट्रेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट की करनी चाहिए आपको, राइट है। इंस्टीट्यूट वहाँ से क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में बना देता है और आपको पता भी नहीं लगता है, तो आपका एज इट इज़ क्वेश्चन भी उठ के आ जाता है, तो आपको प्लीज़ वो प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। तो खासकर आपको अकाउंटिंग और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई सब्जेक्ट है इसके ऊपर ज़्यादा आप अपना फोकस करें, राइट है। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100 में से अगर चार पेपर हैं आपके तो 25% पोर्शन बैठता है, तो मैं आपको कहूंगा कि भैया 40% पोर्शन आप अकाउंट्स को दो, 30% आप पोर्शन इकोनॉमिक्स को दो, बाकी अपना 15% आप पोर्शन उसमें दे सकते हैं लॉ के अंदर, और साथ में आपका कौन सा पेपर बचा, इकोनॉमिक्स का पेपर। क्योंकि इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम्स लिखोगे तो दो पेपर जो टफ आने वाले हैं उसमें आपका स्कोर अच्छा जाएगा, और जो पेपर थोड़ा एवरेज या बिलो एवरेज के पूछे जाएंगे उसमें आपका एवरेज मिड आपको मार्क्स मिलेंगे, और उससे आप क्या कर जाएंगे, आप स्कोर कर जाएंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी एक अपकमिंग स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ सीए फाउंडेशन वालों के लिए। तो मैंने जो आपको साइन बताने थे इंस्टीट्यूट के, जो टारगेट बेस्ड इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो उन इंस्टीट्यूट अपने परसेंटेज को देखते हुए जो साइन इंस्टीट्यूट के, एंट्री को टफ बनाना है और एग्जिट को ईजी बनाना है। तो इस चीज़ के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।